चारा घोटाले में सजाए फाख्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी दिल्ली के एम्स नहीं भेजा जाएगा। रिम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि किडनी की गंभीर बीमारी पर एक्सपर्ट ने न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ली जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट ने रिम्स में हो रहे इलाज पर संतोष जताया है। लालू प्रसाद क्रोनिक किडनी स्टेज 3 बीमारी का सामना कर रहे हैं। उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अब एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ली जाएगी। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट सेकंड ओपिनियन लिया जाएगा। कश्यप ने कहा कि अगर न्यूरोलॉजिस्ट लालू जी को एम्स या किसी और अच्छे अस्पताल में भेजने की सलाह देगा तो रिम्स प्रबंधन उस पर विचार करेगा। डॉक्टरों ने पूरे कागजात को देखा, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को देखा और उसके बाद से उन सब सम्यक विचारों परांत उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो इलाज चल रहा है वो सही चल रहा है। दूसरी एक बात उन्होंने और कही कि चूंकि लालू जी का मेन उनकी जो बीमारी है वो किडनी से रिलेटेड है और वो CKD स्टेज 3 में है, तो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कहीं से बुलाकर या इनको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट पास भेजकर ये इस पर एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। अभी इतना ही डिसीजन हुआ। एम्स ले जाने की बात जो आ रही थी सर, तो एम्स ले जाने की बात जहाँ से भी आ रही हो, लेकिन एम्स ले जाना या किस कहाँ से बुलाना अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि एक सेकंड ओपिनियन नेफ्रोलॉजिस्ट का हम लोग को लेना, अब आगे इस पर फिर विचार। नेफ्रोलॉजिस्ट ने सलाह दिया तब तो एम्स ले जाया जाएगा। अगर उन्होंने सलाह दिया कि नहीं यहाँ का इलाज ठीक नहीं चल रहा है, इन्हें शिफ्ट करना जरूरी है, तो निश्चित रूप से उनको ले जाया जाएगा। वहीं लालू प्रसाद का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि लालू प्रसाद रिम्स में ही रहकर इलाज करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि खुद राजद सुप्रीमो कहते हैं कि हम नहीं कहीं बाहर जाएंगे, ये भी हमको सुनने में आया, हमसे भी उन्होंने जिक्र किया कि नहीं आप इलाज करिए, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं। वहीं रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने अपने हिसाब से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी की रिम्स में ही इलाज करवाने की मांग पर बोर्ड ने ये फैसला नहीं लिया है। कश्यप ने कहा जहां बेहतर इलाज मिलेगा वहां उन्हें भेजा जाएगा। देखिये मरीज के उनकी इच्छा से असर नहीं पड़ना चाहिए, उनका जो बेहतर इलाज हो, जहाँ उनका सबसे अधिक अच्छा इलाज हो उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो उनकी इच्छा पता नहीं क्या थी, हमें तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अगर उनकी इच्छा ऐसी थी कि हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी यदि हम जरूरत समझेंगे कि नहीं इनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह ली जाए तो हम लोग। लालू प्रसाद को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें, क्योंकि भारत में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो चाहते हैं कि लालू प्रसाद जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।